इसैप इंडिया एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन एक पहले भी मैंने स्टॉक को रेकमेंड किया है, और वेल्डिंग और कटिंग इक्विपमेंट्स कंज्यूमेबल्स में एक वर्ल्ड लीडर है और बहुत ही जबरदस्त नामचीना ब्रांड। और पहले भी स्टॉक को मैंने जेंस आपके जेम्स में हो या एसपीएल हो या इवनिंग शोज में हो रेकमेंड किया, और हर बार टारगेट अचीव हुए। और अब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो बहुत ही बेहतरीन थे, सेप्टेम्बर क्वार्टर के रिजल्ट्स। और देखिए कंपनी 26-27% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, और 15% की प्रॉफिट की क्या कर रहे हैं पिछले 3 साल की। डिविडेंड यील्ड बहुत ही 1.78%, और 18 करोड़ के पैट के सामने 24 करोड़ का पैट है इस सितंबर में, और पिछले तीनों क्वार्टर में 20s में इनके प्रॉफिट्स आए हैं। जनरली ये टीन्स में रहते थे, इस बार टीज में आ गए हैं लोग, और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे एनुअल प्रॉफिट्स दिया है कंपनी ने 78 करोड़ का। एंड एज यूजुअल जो FII इन टाइप के स्टॉक्स में प्रमोटर्स की स्टेक बहुत हाई रहती है, 74% के लगभग है। FIIs और DIIs का भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, 14%। इनफैक्ट SBI रिटायरमेंट फंड का अगर देखें तो 9.5-10% के लगभग इनकी स्टेक है। तो 14% FIIs ने बहुत गजब का बढ़ाया इसमें। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो में रखने के लिए स्टॉक है, और इस स्टॉक को बिल्कुल ले यहाँ पे, और 2850-2890 के टारगेट्स के लिए।